हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th इकोनॉमिक्स 4 नंबर लेसन। द लेसन इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एज वी नो दैट फूड इज एज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। जिस प्रकार वायु जो है सांस लेने के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। सो दिस बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 9, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। डॉक्टर नॉर्मन बार्लो हुआ जे नोबेल प्राइज विनर इंट्रोड्यूस्ड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट पॉइंट। यू कैन सी फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेबिलिटी, उपलब्ध होना चाहिए, एसेसिबिलिटी, सबकी पहुंच होनी चाहिए, एंड एफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। और एफोर्ड कर सके किसी देश की जनता तो उसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं, यानी अवेलेबल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए और एफोर्डेबल होना चाहिए, तब उसे फूड सिक्योरिटी कहा जाएगा। फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड फॉर एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड। सबसे पहले तो उचित मात्रा में फूड अवेलेबल होना चाहिए और सभी लोगों के पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसे खरीद पाए, और फूड की पहुँच तक कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, उसे फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, एक्चुअली फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम जानते हैं कि भारत एक गरीब देश है जहाँ पे लगभग 26 करोड़ लोग गरीब रहते हैं, उसके लिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। नेचुरल डिजेस्टर हो सकते हैं, कोई कलामिटी हो सकता है, जैसे भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, या वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉफ या सूखे के कारण अगर फसल बर्बाद हो जाता है तो उस कंडीशन में फूड सिक्योरिटी नेसेसरी बन जाता है। हाउ ड्रॉफ इफेक्ट फूड सिक्योरिटी, यू कैन सी सबसे पहले दिखाया गया कि ड्रॉफ टेक्स प्लेस जब बाढ़ आता है, सूखा आता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज हो जाता है, फसल नहीं हो पाता, उससे शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया चालू हो जाता है, वहाँ फूड ग्रेन्स नहीं होते हैं, इससे प्राइसेस इफेक्ट होता है, और इस वजह से कुछ लोग इस फूड को नहीं खरीद पाते हैं। इसी चीज़ को फूड इनसिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो डैट मीन्स ड्रॉफ ऑल्सो इफेक्ट फूड सिक्योरिटी। ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटी स्टारवेशन इज जस्ट गोइंग टू क्रिएटेड इन सच कैलेमिटी हैपेंस इन ए वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और ये स्टार्टेड ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, इट मे कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहता है, वहाँ फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे भूखमरी की समस्या क्रिएट हो जाती है, और ये भारत जैसे देश में कई बार हो भी चुका है। यू कैन सी इस भूखमरी की वजह से अकाल आ जाता है। ये मासिव स्टारवेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ ए माइंड। अगर ज़्यादा दिनों तक स्टारवेशन चलेगा तो फेमाइन जैसी समस्या आ जाएगी, और एक फेमाइन क्या कैरेक्टराइज करता है, वाइड स्प्रेड डेथ एंड एपिडेमिक, महामारी जैसी समस्या हो जाएगी और बहुत ऊंची दर पे डेथ रेट काउंट होने लगेगा, यानी लोग भूखों मरना चालू हो जाएंगे। भारत में फेमाइन जो है वो कई बार आ चुका है, जैसे बंगाल फेमाइन 1943, 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन लोग मारे गए थे, भूख के कारण मरे थे, बहुत सारे लोगों ने बंगाल छोड़ दिया था। बिहार में 66 और 67 में आया था, जिसमें लगभग 2353 लोग मारे गए थे। ऐसी हरी कई सारे स्टारवेशन सिचुएशन को देखा गया है, जैसे कालाहांडी एंड काशीपुर इन उड़ीसा, बरन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, पलाउमी डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। ये कुछ ऐसे अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे स्टारवेशन जैसी समस्याओं को देखा गया है, और लोग भूखे मर जाते हैं क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पाता है समय पे। फूड इनसिक्योर ग्रुप्स, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो शुरू से ही फूड इनसिक्योर होते हैं, जैसे लैंडलेस पीपल हो गया, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है,
ट्रेडिशनल आर्टिसंस हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल कारोबार को कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो गए, होमलेस बेगर्स हो गए, फैमिलीज भी एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जहाँ पे बहुत कम पैसा मिलता है, वैसे लोग ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं, खास करके उन लोगों को दो टाइम का खाना भी नहीं मिलता। कैजुअल लेबर्स हो गए, जैसे सीजनल एक्टिविटीज बोरी लो वेजेज हैं, ये लोग फूड इनसिक्योर होते हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इसलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है एक देश को चलाने के लिए। एससी एसटी हो गए, कुछ एबीसी के कैटेगरीज हो गए, उनमें भी फूड सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी को देखा गया है। माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स वे पर्सन होते हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं रोज़गार करने, नेचुरल डिजास्टर के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे आज के डेट में देखा होगा कोरोना की समस्या है, इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग भूखमरी से त्रस्त हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रेन हैं, इनको भी प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। स्टेट फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी में सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न पार्ट, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के कुछ पार्ट है जहाँ पे आज भी फूड इनसिक्योरिटी जैसी समस्या को देखा जाता है, क्योंकि गरीबी जो है इन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा है और इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है जिससे कि गरीबी की समस्या को सॉल्व किया जा सके। हंगर एमो अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, देखो दो तरीके का हंगर होता है, एक होता है क्रोनिक हंगर जो बहुत लंबे समय तक चलता है, और इस क्रोनिक हंगर से सफ़र करते हैं पुअर पीपुल, सीजनल लेबर्स जो होते हैं। दूसरा होता है सीजनल हंगर, ये केवल सीजन के हिसाब से होता है, जैसे एग्रीकल्चरल करने वाले बहुत सारे लोग हैं ग्रामीण सेक्टरों में रहते हैं, तो उनके यहाँ होता क्या है कि अगर चावल की खेती हुई तो चावल ही खा रहे हैं, गेहूं की खेती हुई तो गेहूं ही खा रहे हैं, आटा ही खा रहे हैं, तो डैट मीन्स इससे क्या होता है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दिस ऑल्सो क्रिएट्स फूड अनसिक्योरिटी। तो दो तरीके का हंगर है, एक क्रोनिक हंगर है जो बहुत लंबे पीरियड तक चलता है, और एक सीजनल हंगर है जो पार्टिकुलर सीजन में क्रिएट होता है। इंडियाज अटेम्प्ट एट अटेनिंग फूड सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया, जो 1970 के दशक में डॉक्टर नरोल बार्लो को माना जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया था, और फूड ग्रेन पॉपुलेशन के ऊपर फोकस किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ था पंजाब एंड हरियाणा का, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का, बट लो ग्रोथ रेट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से वहाँ हुआ था, क्योंकि आज भी वहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं होता है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, और यही कारण है कि दे आर फूड इनसिक्योर। इंडिया में फूड सिक्योरिटी को लॉन्च करने के लिए डॉक्टर नरोल बार्लोग ने जो सजेशन दिया था, उस सजेशन के आधार पर दो चीज़ें लॉन्च की गई थी। एक तो सबसे पहले डिमांड थी कि बफर स्टॉक होना चाहिए हमारे पास, जो आज हमारे पास FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से रन होता है। दूसरा होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जिसे राशन की दुकान कहते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास प्रॉपर तरीका नहीं है। इससे क्या होता है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया डैट मीन्स कॉल्ड सिस्टमेटिक पैटर्न से चलता है। यू कैन सी फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स क्या करता है, ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसे खरीदता है, मेंटेन करता है बफर स्टॉक को, इसके बदले वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा एक प्राइस निर्धारित की जाती है जो दी जाती है किसानों को, उसे MSP कहते हैं। ये FCI अलॉट करता है ग्रेन्स को स्टेट को, और स्टेट क्या करता है सेंट्रल इशू प्राइस पे इसे खरीदता है। अब स्टेट क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फेयर प्राइस शॉप पे, और फेयर प्राइस शॉप से जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो स्टेट को दिया जाता है। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है, और डैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खास करके गरीब वर्ग है उनके लिए एक प्रॉपर पैटर्न अपनाया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, सबसे पहले PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, RPS रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अलावा स्पेशल स्कीम भी आया था जिसे AAY अंत्योदय अन्न योजना और APS अन्नपूर्णा स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये दिखाया गया है कि चार्ट कब कब कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था, और इसके लिए इशू प्राइस क्या होता है, किस हिसाब से मिलता है उनको अनाज, जैसे देख सकते हैं PDS में 2.34 रुपये के हिसाब से वीट और 2.89 रुपीज़ के हिसाब से राइस मिलता है, और अंत्योदय जो योजना है उसके लिए फ्री ग्रेन्स दिया जाता है, और ख़ास करके सीनियर सिटीजन को दिया जाता है। ये वॉल्यूम दिया गया है कि किस वॉल्यूम के आधार पर यह दिया जाता है,
तो हमारे देश में पीडीएस सिस्टम है। बेनिफिट क्या है पीडीएस सिस्टम से? स्टेबलाइजेज प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, इससे फूड ग्रेन्स की प्राइस कंट्रोल होती है, सबके लिए फूड अवेलेबल होता है बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन फॉर द कंट्री, इससे क्या होता है जिन क्षेत्रों में फूड की शॉर्टेज होती है वहाँ पर इसे पहुँचाया जाता है। प्राइसेस सेट विथ पुअर हाउस होल्ड इन माइंड, प्रोवाइड्स इनकम सिक्योरिटी टू फार्मर टू सर्टेन रीजन, कुछ जगहों पर इससे इनकम सिक्योरिटी भी बनी रहती है। प्रॉब्लम फेस्ड बाई पीडीएस, प्रॉब्लम ऑफ हंगर स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी एरियाज ऑफ इंडिया, बहुत सारे एरिया में आज भी हंगर जैसी समस्या है। फूड स्टॉक इन ग्रेनरीज ऑफन ओवर स्पेसिफिक लेवल, डिटोरिएशन क्वालिटी, यानी जो रख रखाव का तरीका है वो अच्छा नहीं है, ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, सड़ जाता है फूड ग्रेन। हाई स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्टिंग जो है काफ़ी महंगी है, और MSP बढ़ने के कारण फूड ग्रेन सरकार नहीं खरीद पाती है। कल्टिवेशन ऑफ राइस हैज ऑल्सो लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉल इन द वाटर लेवल, आज वाटर लेवल डाउनग्रेड चला गया है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जाता है राइस को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो भी ग्रेनरी बचा हुआ होता है उसे जलाते हैं, और पुआल जलाने के कारण क्या होता है इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट होता है। उसके बाद एवरेज कंजप्शन ऑफ पीडीएस ग्रेन, सब लोग नहीं खरीदते हैं, माल प्रैक्टिसेस ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पीडीएस डीलर जो होते हैं वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, डेट मीन्स कॉल उसमें मिलावट करते हैं। डाइवर्टिंग द ग्रेन टू ओपन मार्केट टू गेट बेदर मार्जिन, अच्छा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए इसे डायरेक्ट क्या करते हैं ओपन मार्केट में डाल देते हैं। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन से राशन शॉप, और राशन शॉप पे घटिया क्वालिटी के अनाज को बेचते हैं जिससे कोई खरीदना नहीं चाहता। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप, और शॉप जो होती है वो रेगुलर ओपन नहीं होती है, जैसे कोई ड्यूटी करने वाला पर्सन है वो तो ले ही नहीं पाएगा, इस हिसाब से उसकी दुकानें खुलती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को लॉन्च किया गया है, और ख़ास करके लोअर इंसेंटिव टू बाई फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप से ख़रीदने पे बहुत कम इंसेंटिव दिया जाता है जो लोग भी इसे बेचते हैं। ये कुछ डीमेरिट्स है जिसकी वजह से पीडीएस सिस्टम पूरा सक्सेसफुल नहीं है। थैंक यू, डेट इज़ द ऑल अबाउट द लेसन, एंड डेट इज़ द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डेट डिटरमाइंस अबाउट हाउ द फूड सिक्योरिटी विल कम ऑन सस्टेन इन इंडिया। थैंक यू।